कुछ फाइनेंसर्स का एक्टिविटीज ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हमको इंटेलिजेंस भी आया, स्पेशल ब्रांच को भी इंफॉर्मेशन आया सिटी पुलिस कमिश्नरेट से। वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा रिस्ट्रिक्शन कर दिया, इतना ड्रा करना, हफ्ते को इतना करना। सो इसमें कैश अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया, लिक्विडिटी कैश बहुत कम हो गया। कोई स्कूल का डोनेशंस, कोई शादी का मामला, थोड़ा बड़ा खर्चा होने में वो ऑनलाइन डिजिटल में कोई मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वो लोग फिर फाइनेंसेस के साथ पास जाके ये पैसा ले रहा था। ये लेने के टाइम में नॉर्मली ये फाइनेंसर्स ज़्यादा ले रहे हैं पैसे इंटरेस्ट। अभी ये बहुत अच्छा मौका मिला, अभी और ज़्यादा 25% 30% 40% भी ले रहे हैं। हमको भी इंफॉर्मेशन आया आज सुबह से 18 से आदमी के पास जाके उनको पकड़ के लाए, कई डॉक्यूमेंट सीज कर दिया, कई स्टैम्प पेपर्स, एक बुक भी, इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिसरी नोट बुक भी लगाया वहाँ। कोई शॉप के जाके खरीदने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा करना खाली बिना अमाउंट रखे, अमाउंट नहीं रखता, नाम नहीं रखता, 10 लाख कर सकता है, 15 लाख कर सकता है, कोर्ट में अटैचमेंट ऑर्डर लाता है। तो ये मामला चल रहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद थोड़ा परसेंटेज थोड़ा एक्सटॉर्शन ज़्यादा हो गया, इसके लिए पुलिस तरफ से ये इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल फाइनेंस को रोकने के लिए आज स्पेशल ड्राइव करके 18 लोग को कस्टडी में ले गए। इसमें 4 आदमी के ऊपर केस भी लगाया, अभी तक वेरिफिकेशन हो गया, बाकी लोगों को डॉक्यूमेंट्स, पूरा प्रॉमिसरी नोट्स, एक डायरी चिट्ठीस, ये पूरा वेरीफाई कर रहा है। करने के बाद शाम को फैसला करेंगे कितने केस में रखे, कितने को गिरफ्तार करेंगे। वो परमिशन एंटीक पीस है तो परमिशन लेना है, एक फाइनेंसर का रिश्तेदार है वो।